बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी जमान में रखे। आज हमारा जो प्रोग्राम था, काफ़ी दिनों से आपसे वादे करता रहा कि लाहौर स्मार्ट सिटी आपको ऑन ग्राउंड विजिट करवाऊँगा। अलहमदिल्ला मैं जब आया हूँ, फर्स्ट टाइम मैं खुद आया हूँ, जब तक मैं खुद प्रोजेक्ट को नहीं देख लेता, उसकी वाइड वर्थ नहीं चेक कर लेता, उसकी जो लीगल के इशूज़ हैं वो चेक नहीं कर लेता, मैं किसी सोसाइटी के ऊपर बात नहीं करता। सेंट्रल पार्क के ऊपर बात की, एलडी अप्रूव है, लाहौर स्मार्ट सिटी के टोटल डॉक्यूमेंट्स क्लियर, एनओसी क्लियर, एलडी अप्रूव सोसाइटी है, ताकि आज हम आपको कोई चीज़ भी इन्वेस्टमेंट आपकी करवाते हैं तो कल को आपको आपका सरमाया गैर महफूज ना हो। इस वजह से मैं वो सोसाइटी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि अब हमें देखना होगा कि डीएचए के बाद हम कहाँ पर देखते हैं छोटी सोसाइटीज़ में वो लोग जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे क्लाइंट हैं, कि वो क्या समझते हैं कि हर शेप में हमें कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करना होगी, छोटे साइज़ में, 5 मल्ला, 10 मल्ला, 1 किनाल, कमर्शियल में, डीएचए से हट के क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। तो सेंट्रल पार्क बेस्ट, उसके बाद मैं ये यहाँ पे आया हूँ, सेंट्रल पार्क का बाद एरिया है, यहाँ पे थोड़ा ये कि अभी अब फर्स्ट है, सोसाइटी जब कम्प्लीट होगी तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है कि छोटी सिटी नहीं, मीन्स स्मार्ट सिटी का मतलब है कि यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्ट यहाँ पर डिवेलपमेंट के साथ, बेहतरीन सहूलियात के साथ ये प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हबीब रफ़ीक का बहुत बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह से जहाँ पे भी गए उन्होंने अपना नाम वहाँ पे कामयाब किया है, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया उसको डीएचए को डेवलप किया, बैरिया को किया, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट डी मोटरवेज बनाए। डेवलपर के तौर पे अगर उनको देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अगर आप काम करते हैं तो बेहतरीन होगा, आप उसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अभी हम आपको कैमरामैन दिखाएँगे, हमारे इधर मस्जिद जहाँ पे बन रही है मस्जिद दिखाएं, ये एरिया वो दिखा रहे हैं, ये एरिया वो दिखा रहे हैं आपको जहाँ पे मस्जिद और स्कूल बन रहे हैं, साथ में वो वर्किंग के लिए वो वहाँ पे उनका ऑफिस भी है। ये रोड आप देख लें, ये यहाँ पे कनाल 5 मरला, 10 मरला और 4 और 8 मरला कमर्शियल की कैटेगरी, ये डिवेलपमेंट देख के मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब कम्प्लीट हो जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह हम दिखाते जाएंगे, सामने अगर आप देख रहे होंगे थोड़ा दूर है, मैं उस साइड पर जाके दूसरी वीडियो बनाऊँगा, वो विलाज हैं डीएचए इसके स्मार्ट सिटी विलाज हैं, 7 मरला हैं और भी 5 मरला भी विलाज हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो हाई टेंशन वायर के नीचे है, ये सारी ग्रीनरी है और ये नर्सरी है, यहाँ पे नर्सरी होगी ताकि हाई टेंशन की वो सात भी ज़ायल हो जाए, जगह भी इस्तेमाल हो जाए, अच्छा भी लगे। और थोड़ा सा आगे देखते हैं तो वो आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा होगा, वाटर टैंक नज़र आ रहा है और डिवेलपमेंट आप सामने देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ कितने फास्ट ट्रैक पे जिस तरह वो डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटी वाले, और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जो टाइम दिया हुआ है इसके अंदर अंदर ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत वाइड है, बहुत जगह इनके पास मौजूद है। इसी तरह थोड़ा और भी दिखाएं, ये लैंड तो आपको सारी नज़र आ रही होगी दूसरी साइड पर, और ये दूसरा टैंक वाटर टैंक आप दिखाएं, ये वाटर टैंक भी कम्प्लीट हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। मैं पीछे सारी सोसाइटी देख के आया हूँ, मैं सोसाइटी सारी देख कर आया हूँ, मैंने सोसाइटी को जो महसूस किया है जहाँ पे ज़रूरी है, जो लाजिम है काम, जैसे डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है, उनकी बेसिक डेवलपमेंट जहाँ से वो लैंड बिछा रहे हैं अपनी, ये आप देख रहे होंगे सामने लैंड बिछा रहे हैं, सेवरेज का काम कर रहे हैं, फुटपाथ में देख रहा हूँ, इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो हम देखते हैं कि डिवेलपमेंट के हवाले से बहुत अहम होती हैं, वो फ्यूचर में जाके बड़े मसाइल क्रिएट होते हैं, अगर वो गैर अहम हो, गैर म्यारी हो तो प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरह ये स्मार्ट सिटी इसका नाम है और इसका दूसरा पहला प्रोजेक्ट कैपिटल जो इस्लामाबाद वाला है वो भी डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह कमिंग सून मैं वीडियो वहाँ पे भी आपको दूंगा, इस्लामाबाद में उस प्रोजेक्ट के ऊपर, लाहौर के प्रोजेक्ट के अंदर। मैं समझता हूँ इस माहौल में जो अगर आप काम करना चाह रहे हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट हो या बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर आप लेके आए, इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉफिट होगा और बेहतरीन प्रॉफिट होगा, बेहतरीन सरमायाकारी की जगह है, और जिस तरह ये निखार इसमें आएगा, कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट कंप्लीट होती जाएगी, तो मेरे ख्याल में इन नाफे सब के लिए प्रॉफिट भी आएगा और वर्क भी होगा। जहाँ पे बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर को जब आप रिलीफ देते हैं, जब उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, तो आप उसमें बहुत सारे रोज़गार पैदा होते हैं। जो प्राइवेट लोग रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ये डिवेलपर्स का बहुत बड़ा हाथ है। मैं लेबर को देख रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ एंगल से लोगों को देख रहा हूँ, इंजीनियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, तो ये एक बेहतरीन माहौल बनेगा। और यहाँ पे हमारी ज़रूरत है कि हमारे पास ऑलरेडी घर शॉर्ट हैं, घर बनाने चाहिए, पाकिस्तान में बेघर लोग बहुत हैं, ज़रूरत है,
जिस तरह हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, इस तरह की स्टैंडर्ड की सोसाइटीज़ में भी आपको जाना होगा। पोश एरियाज़ के अलहदा से एक मूवमेंट है, नॉर्मल जो लोकल एरियाज है उसके हिसाब से। तो पोश एरिया जो DHA के बाद बैरियर टाउन के साथ अभी ये स्मार्ट सिटी आ गया, कैपिटल इस्लामाबाद में जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, पार्क व्यू सिटी है, मुख्तलिफ लोग प्राइवेट सोसाइटीज बना रहे हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में, तो इसके अंदर मैं डिटेल में दोबारा आके आपको विजिट कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी क्यूरीज होती हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, पोजेशन में, नॉन पोजेशन में, फाइल्स में, 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला, 1 के नाल, जिस कैटेगरी में भी आपको चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं 03-22-88-88-429। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।